आपने देखा है कैसे काम कर रहे हैं? ये मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मैंने गले लगा के आभार माना है। ये सफाई कर्मचारियों का मैं पूरी जिंदगी भर आभारी रहूंगा। वडोदरा मां कोना पापे प्रजा ने सजा, केम जड़मग्न थयु वडोदरा, पानी ओचर्या नेताओ पर क्या, कोनी बेदरकारी नो भोग बनी प्रजा, वडोदरा पर आफत अपरंपार। पूर्ण संकट बाद वडोदरा शहर ने फरी धबकतु करवा माटे राज्यना गृहमंत्री अने वडोदराना प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा आवी पहोंच्या। मोड़ी रात थी ज वहेली सवार सुधी तेओ अनेक विस्तारों में फर्या। वडोदरानी मध्यमाथी पसार थती विश्वामित्र नदीनी काला घोड़ा ब्रिज पर मुलाकात लीधी। त्यारबाद शहरना विविध विस्तारों में फरीने तेमणे पालिकानी विविध टीमों द्वारा करवामां आवती सफाई तथा अन्य कामगीरीनुं निरीक्षण कर्युं। साथे ज झोनल मीटिंग पण तेमणे लीधी। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે લોકોએ તકલીફ ભોગવી છે તો તેઓ જરૂરથી કહેશે અને અમારે સાંભળવાનું છે। પૂરી રાત વડોદરા શહેર કી ગલી ગલી એવમ વડોદરા શહેર કે સભી મુખ્ય રાસ્તો પે નિરીક્ષણ કિયા એવમ વડોદરા શહેર કે બહોત હી બડી સંખ્યા મે નગરજનો કો મિલના હુઆ। કલ ભી મે કઈ રાસ્તો પે ગયા થા, કઈ ક્ષેત્રો મે મેરા કલ ભી લોગો સે મિલના હુઆ થા, આજ વહી ક્ષેત્ર મે વાપિસ જાના હુઆ। એવમ वडोदरा शहर के सभी जोन्स में जो प्रभावित क्षेत्र थे वो सभी क्षेत्र में वडोदरा शहर के सभी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जाना हुआ। खास तौर पे सफाई, स्वास्थ्य एवं बिजली पानी इसकी व्यवस्थाओं का कैसे रिस्टोरेशन हुआ है उसका निरीक्षण किया गया। सभी जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से भी मिला। हर जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से छोटी मुश्किल क्या है, उनसे कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, वो सभी विषयों पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। खास तौर पे ये पूरे शहर में जब मेरा घूमना हुआ तो वडोदरा शहर के सभी नागरिकों का मैं एक आभार मानना चाहता हूँ। ये मुश्किल घड़ी में जो लोग मुश्किल में नहीं थे, जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं थे, वो लोगों ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग थे उनके उनको मदद करने के लिए खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको मदद की। उसी के साथ जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मेरे सभी सफाई कर्मचारी भाइयों एवं बहनों से मिलना हुआ, मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से दो हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। जिस प्रकार से उनके अंदर उत्साह है कि रात दिन एक करके वडोदरा को सबसे साफ शहर बनाएंगे, ये सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को इसके लिए आभार मानना पड़ेगा। वो मात्र सफाई का काम नहीं कर रहे, वडोदरा की जनता का, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करके ये रात दिन एक करके ये सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों का आभार मान रहा हूँ, वडोदरा के नगरजनों का आभार मान रहा हूँ। ये सभी सफाई कर्मचारी एवं दूसरे सभी कर्मचारियों को रात दिन एक करके खाना पहुंचाना, उनको चाय देना, उनका आभार मानना, उसके कारण आज वडोदरा शहर में काम करने वाले सभी कर्मचारी उत्साह से एवं प्रोत्साहित होकर काम कर रहे, रात दिन एक होकर काम कर रहे। और मुझे विश्वास है आने वाले 24 घंटे में वडोदरा पूरा एकदम साफ हो जाएगा और राज्य का आने वाले दिनों में सबसे साफ शहर बनने के लिए ये उनका हौसला और ख़ास तौर पर इनका संकल्प वो आने वाले दिनों में ज़रूर से काम आएगा। आज पूरा जायज़ा लिया गया है, ख़ास तौर पर जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं, उनकी जो मुश्किलात थी उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर क्या कर सकते हैं उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। कल मुख्यमंत्री जी ने ख़ास तौर पर वडोदरा शहरी जनों के लिए उनके आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटनाओं का सामना कैसे कर पाए उसके लिए ख़ास तौर पर विश्वामित्री रिवर जो है उसके रीडेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए खास तौर पर मंजूर किए गए। आने वाले दिनों में वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कैसे चालू किया जाए उसका भी कामगिरी, जैसे ही ये रिस्टोरेशन का काम ख़त्म होगा वो कामगिरी आगे बढ़ाई जाएगी। सफाई कर्मी का हक है, पिछले कई दिनों से आपने देखा है कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मैंने गले लगा के आभार माना है, उनका दो हाथ जोड़ के वंदन किया है मेरी माताओं का,
किस प्रकार से उन्होंने काम किया आप देख सकते हो, और देर रात कितने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं वडोदरा मैं साफ कर लूँगा। ये उत्साह, ये संकल्प अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सफाई कर्मचारियों का सभी वडोदरा के नगरजनों को कहीं पे भी दिखें उनको वंदन करना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए। उनके भी घरों में पानी आया होगा साहब, उनके भी घरों में माता पिता बेटा बेटी है, लेकिन उन्होंने ये शहर का सोचा है। और ये सफाई कर्मचारियों का मैं पूरी जिंदगी भर आभारी रहूंगा। उल्लेखनीय है, धारासभ्य मनीषा वकील ने कॉर्पोरेटर बंदीश शाह ने लोकोना रोष नो सामनो करवो पड्यो हतो, अने आथी ज हर्ष संघवी ताबड़तोब परिस्थिति कंट्रोल करवा माटे वडोदरा दौड़ी आव्या हता। हाल तो एवी चर्चाए जोर पकड्यु छे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।